नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है NCERT के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं सृजन राजपूत अपने सभी दर्शकों का, बच्चों का स्वागत करती हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं ई विद्या चैनल नंबर 12 के जरिए। इसी के साथ आप हमें हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल के माध्यम से भी देख रहे हैं, जो कि हमसे जुड़ने का एक तरीका भी है। यहाँ स्क्रॉल डाउन करें और नीचे लाइव चैट बॉक्स के ऑप्शन में जाकर अपने कोई भी प्रश्न या फिर सुझाव इस सत्र से जुड़े आप हमें भेज सकते हैं। आप अपने किसी भी प्रश्न को लेकर हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये है 8800440559। या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं, अपने सुझाव अगले किसी भी सत्र के लिए या इन सत्रों के लिए भी दे सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जब भी ये सत्र दोबारा आएंगे तब आपके सभी प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। हमारी मेल आईडी है dth.class12@cit.nic.in। आज का ये सत्र हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जैव विज्ञान के। इस सत्र में आज हमारा विषय है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम भाग 2, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पार्ट 2। इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन सम मिनट्स विद आवर गेस्ट। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं मिस्टर सुशील कुमार, यू आर एन PGT ऑफ बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय एम्बेसी ऑफ इंडिया, काठमांडू, नेपाल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज यू आल्सो। यस, सो एज दिस इज अ पार्ट 2, वी हैव अ पार्ट 1 ऑल्सो। आप उस सत्र को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सुशील सर जुड़े हुए हैं। सर, हमारे आज के विषय के भाग 1 की भी छोटी सी समरी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्यारे बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को छुआ हुआ है। मतलब हम उसके उत्पादों का अपने जीवन में आज खूब उपयोग कर पा रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीकी प्रौद्योगिकी का वह विषय है जो अभियांत्रिकी और तकनीकी के डेटा और विधियों को जीवों और जीवन तंत्रों से संबंधित अध्ययन और समस्या के समाधान के लिए उपयोग करता है। इसे रासायनिक अभियांत्रिकी, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान में संबंधित माना जाता है। जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं के लिए जीवों, कोशिकाओं और उनके भागों और आणविक समधर्मों के अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी विज्ञान का एक प्रकार से सम्मिश्रण है या एकीकरण है। हम लोगों ने पिछली बार आपसे चर्चा की थी कि जैव प्रौद्योगिकी का सबसे प्रमुख क्षेत्र जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से चिकित्सीय प्रोटीनों और अन्य दवाओं का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, आप जानते होंगे कि आपके जीवन में, आपके आसपास BT क्रॉप्स आज की सच्चाई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, चाहे हम लोगों ने कोविड के काल में तमाम वैक्सीन का उपयोग किया हो या फिर डायबिटीज के लिए इलाज के रूप में जो आजकल ह्यूमन इंसुलिन है उसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, में जल्दी से आपको बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे जीवन में बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है और इसका हमने आपको एक विस्तृत इतिहास बताया था, जिसमें हमने स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर दो वैज्ञानिकों के द्वारा इस विज्ञान को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो समझाया था और बताया था कि एक ऐसी तकनीक है ये जिसके माध्यम से हम एक प्रकार से रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं, जिसे हम RDT कहते हैं। और रिकॉम्बिनेंट DNA को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उससे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनती हैं। हमने आपके साथ बच्चों चर्चा की थी कि बहुत सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अर्थात RDT को कर पाने में सफल होते हैं, जिनमें से एक प्रतिबंधित एंजाइम जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, दूसरा टूल क्लोनिंग वेक्टर होता है, तीसरा DNA पॉलीमरेज एक विशेष प्रकार के न्यूक्लियेज कैटेगरी के एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा DNA को जोड़ने वाले एंजाइम जिन्हें हम DNA लाइगेज एंजाइम कहते हैं, और इसके अलावा एक होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हम अपने रिकॉम्बिनेंट DNA को इंटर करवाते हैं। कुल मिला के इसमें बहुत सारे चीज़ों का एक प्रकार से उपयोग होता है। और हमने आपसे मॉलिकुलर सीजर के नाम से, जिन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, इनकी चर्चा की थी और बताया था कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे आसपास पाए जाते हैं और जिनका हम उपयोग करते हैं, और विशेषकर
हमने आपको बताया था कि इनका नॉमेनक्लेचर नामकरण करने के लिए जो जैसे हमने एक उदाहरण दिया था आपको कि इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसमें कैपिटल ई जीनस को रिप्रेजेंट करता है, एस्चर्जिया का ई लिया, सीओ एक प्रकार से कोलाई का जो स्पीसीज होती है ई कोलाई, तो कोलाई के लिए सीओ लिया, और आर फॉर स्ट्रेन एंड वन इज द रोमन नंबर दैट इज डिनोटिंग द ऑर्डर इन विच एंजाइम वी आर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। और हमने बच्चों आपको बताया था कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक एक्जोन्यूक्लिएज जो कि जो डीएनए है उसके एंड पर कट करते हैं, मतलब दोनों किनारों पर करते हैं, बाहर डीएनए के बाहर बाहरी किनारों की तरफ काटते हैं, और विद इन द डीएनए अर्थात डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर जो एंजाइम काटते हैं उन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। आपको हमने बताया था कि प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक निश्चित रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, अर्थात वो विशेष प्रकार के कुछ जो डीएनए के ऊपर ऐसे नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं उनको वो आइडेंटिफाई करता है और उन निश्चित बेस को काटने का काम करता है, वहाँ पर वो कट करता है जिसकी वजह से हमें स्टिकी एंड मिलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा। स्टिकी एंड का हम उपयोग करके जेनेटिक इंजीनियरिंग में फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में सफल होते हैं। जो दो डीएनए हैं उनको जोड़ने का काम एक एंजाइम करता है जो डीएनए लाइगेज कहलाता है। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं इनको हम जब डीएनए को कट करते हैं तो इसके बाद हम एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा कि हम यहीं से आज शुरू करने जा रहे हैं आपके साथ, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है। बच्चों आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पॉन्स में एक मैट्रिक्स होता है एग्रोज का बना हुआ, उसमें डीएनए को जब हम रन करवाते हैं मूव कराते हैं तो उसमें हम डीएनए के अलग अलग फ्रैगमेंट पाते हैं, और जब हम डीएनए के जो ये फ्रैगमेंट हैं इनको सेपरेट करते हैं इस टेक्निक से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो हमको एक प्रकार से ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड मिलते हैं। ये जो बैंड इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम डीएनए में एक डाई डालते हैं जिसे हम इटीडियम ब्रोमाइड कहते हैं। ये एक डाई होती है जो ऑरेंज कलर का कलर देती है हमारे डीएनए में, और इस ऑरेंज कलर की जो डाई है जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराया जाता है, जब परावैगनी प्रकाश गिराया जाता है एक प्रकार से, तो हमें ये ऑरेंज कलर का चमकता हुआ इटीडियम ब्रोमाइड जो इंटरकैलेटेड हो जाता है डीएनए के अलग अलग जगह वो हमें मिलता है। यस जी 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 जो डीएनए होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, कई सारे नाइट्रोजनस बेस मिलके बेस सुगर फॉस्फेट मिलके ये एक प्रकार से न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। सो जो आपने बताया कि भाई डीएनए इज विजिबल अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डेट द ईटीबीआर डेट इज नोन एज इटीडियम ब्रोमाइड, सो दिस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरिसिंग अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब चमकता है। So if we soak our gel in solution of ETBR, it will intercalate, मतलब जाके ये जो nitrogenous base pair होते हैं उनके साथ जुड़ जाता है, intercalation कर लेता है into the DNA. Then if we place our gel on or under a UV source, then we will be able to see the DNA by actually detecting the fluorescence of ETBR. So जहाँ जहाँ DNA ETBR चमकता है एक्चुअली डेट प्लेस इज नोन एज डीएनए। सो ये बच्चों आपको समझ में आया होगा हम लोग क्यों ETBR मिलाते हैं, क्योंकि इससे हमको फ्लोरसेंस मिलता है। अब जब हम डीएनए को कट कर लेते हैं सर्जन जी, तो फिर हम डीएनए के उस कट भाग को जो हमारा डिजायर्ड पार्ट ऑफ डीएनए है उसको हम जेल से निकालते हैं, इस टेक्निक को इल्यूशन कहते हैं। मतलब डीएनए बैंड्स जो आप देख पा रहे होंगे बच्चों इस स्लाइड में, कि जब हम डीएनए को रन करवाते हैं एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंतर्गत जिसमें प्लस और निगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, तो डीएनए एनोड की तरफ जाता है क्योंकि डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। तो जब डीएनए के जो हम सेगमेंट कट करते हैं तो स्मॉलर फ्रेगमेंट जल्दी फास्टली ज़्यादा तेजी के साथ मूव करता है एनोड की तरफ, और बड़े फ्रेगमेंट
थोड़ा धीरे धीरे मूव करते हैं, तो हम जो इस जिस सेगमेंट से हमें काम होता है उस सेगमेंट को हम उससे जेल से कट कर लेते हैं जो मैट्रिक्स एग्रोज का बना होता है, और फिर उसको हम प्यूरीफाई कर लेते हैं और इसके बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट में काम करते हैं। दूसरा जो टूल बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलावा यूज होता है, जिसे कहते हैं हम क्लोनिंग वेक्टर। जैसा कि नाम ही यूज हो रहा है, ये एक प्रकार के वेक्टर हैं। ये वेक्टर शब्द यहाँ पर बायोलॉजी में उस सबस्टेंस को यूज होता है जो डीएनए को कैरी करता है, डीएनए को कैरी करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेजता है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर हैं जो क्लोनिंग में यूज होते हैं, सो दे आर द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी ए फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रिप्लीकेट इनसाइड द होस्ट सेल। जिस भी बैक्टीरिया के अंदर हम उस वेक्टर को पहुंचा देते हैं उसके अंदर ये अपनी प्रतिकृति बनाते हैं, रिप्लीकेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे आपको बच्चों प्लाज्मिड आपने बहुत सुना होगा, ये एक प्रकार के सर्कुलर होते हैं, मतलब रिंग की तरह होते, छल्ले की तरह होते, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है उसके अलावा ये अलग से पाए जाते हैं। दूसरे जो वेक्टर हैं उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होते हैं, जैसा कि आपको हमने दिखाने की कोशिश की है। सामान्य भाषा में आप समझने की कोशिश करिए, ऐसे वायरस होते हैं ये जो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। इनके अंदर नेचुरल कैपेबिलिटी होती है ये बैक्टीरिया को मारने की, बैक्टीरियोफेज के अंदर। ये हमारे भारत देश की जो पवित्र नदी है गंगा का, जो पानी में जो कहते हैं पवित्रता होती है, सदियों तक उसका हम आचमन करते चले आ रहे हैं और वो खराब नहीं होता है, हमारी मानवता उससे लाभ लेती रही है, हम लोग उसमें स्नान करते हैं और तब भी महामारी नहीं फैलती। तो इसके पीछे माना जाता है कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो तमाम प्रकार के पैथोजेनिक बैक्टीरिया को नष्ट करता रहता है। खैर आप जी, तो जो बच्चों ये बैक्टीरियोफेज, जैसा कि नाम ही देख रहे हो, बैक्टीरियो प्लस फेज मतलब बैक्टीरिया को, फेज मतलब खाने वाला, तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार से हाई कॉपी नंबर रखते हैं। हाई कॉपी नंबर का मतलब ये समझिए कि इनकी जब किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाते हैं तो ये रिप्लीकेट होके कई सारी कॉपी बनाते हैं। तो जो प्लाज्मिड होते हैं उनकी नॉर्मली कुछ प्लाज्मिड होते हैं जिनकी कॉपी नंबर 1 से 2 होती हैं, लेकिन कुछ और प्लाज्मिड होते हैं जिनकी सैकड़ों की संख्या में कॉपी नंबर पाए जाते हैं। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि एक जो वेल नोन प्लाज्मिड है जैसे PBR-T22, तो वो उसकी कॉपी नंबर कम होती है इन कंपेरिजन टू PUC, एक दूसरे प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में खोजे गए थे, तो उनकी कॉपी नंबर ज़्यादा होती है। यूजुअली कोशिश की जाती है जब भी बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि मीडियम या हाई कॉपी नंबर वाले प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। मतलब हम बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि इसका कॉपी नंबर ज़्यादा होता है, तो जो भी हम वेक्टर लेंगे उसका कॉपी नंबर ज़्यादा होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरियल डीएनए है, इसके अलावा कुछ छल्लों की तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये प्लाज्मिड होते हैं। और ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा बच्चों कि ये प्लाज्मिड क्यों बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया में इसलिए पाए जाते हैं कि कुछ अलग से काम करने में ये मदद करते हैं बैक्टीरिया के। जैसे बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, तो जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं तो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम और आप लोग दवाएं लेते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, तो ये बैक्टीरिया भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर दवाओं का प्रभाव कम पड़े। तो कुछ ऐसे रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनमें उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है, प्रतिरोधी जीन पाया जाता है जो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए लेते हैं। मतलब ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी है एक प्रकार की बैक्टीरिया की। इसके अलावा और भी कई सबस्टेंस को सिक्रीट करने में ये मदद करते हैं प्लाज्मिड। तो देख पा रहे होंगे किसी भी प्लाज्मिड में जो कि हम यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की तरह, आप देख पा रहे होंगे ORI, रिस्ट्रिक्शन साइट, इसके अलावा सिलेक्टेबल मार्कर, ये सारी जो कि फैसिलिटी होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जब भी कोई भी हम प्लाज्मिड को जिस भी बैक्टीरिया को इसलिए उपयोग करते हैं कि जब उस प्लाज्मिड में हम कोई भी जीन को इंटीग्रेट कर देते हैं
तो जब वो प्लाज्मिड किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, समझ लीजिए किसी बैक्टीरिया के अंदर जाता है, तो बैक्टीरिया, आप सब लोग बच्चों जानते हो कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, मतलब एक निश्चित समय में बैक्टीरिया एक से दो बैक्टीरिया, फिर दो से चार, चार से आठ बनती रहती है। तो जैसे भी बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो ये प्लाज्मिड भी जो कि इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ या फॉरेन जीन के साथ, वो भी डिवाइड होके और अपनी कॉपी नंबर के अनुसार अपनी प्रतिकृति बनाता है। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट गुण होते हैं क्लोनिंग वेक्टर में। एक आदर्श क्लोनिंग वेक्टर उसे मानते हैं जिसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन अर्थात ओआरआई हो, जिसमें हम शॉर्ट में ओआरआई कहते हैं, ओआरआई फॉर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। उस वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए अर्थात कोई विशेष प्रकार के जीन होना चाहिए जो कुछ सबस्टेंस को कोड करते हों, कुछ क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। इसके अलावा वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, राइट हैंड साइड पे एक वेक्टर दिखाने की कोशिश की गई है जिसे PBR-T22 कहते हैं। इसे दो वैज्ञानिक बी मतलब बॉलीवर एंड आर मतलब रॉड्रिश इन्होंने खोजा था। तो ये इसके पहला हम फीचर बताने की कोशिश करेंगे आपको। पहला फीचर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। ये विशेष प्रकार के सीक्वेंस होते हैं बच्चों जहां से रिप्लिकेशन अर्थात आप सब लोग जानते हो कि डीएनए के अंदर अपनी एक स्वाभाविक गुण होता है कि अपनी जैसी वो प्रतिकृति बनाता है, अपनी जैसी जीरोक्स कॉपी बनाता है, रिप्लिकेशन करता है। तो ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की वजह से होता है। अगर हम किसी डीएनए को अगर ओआरआई पर लिंक कर दें सृजन जी, तो जैसे भी जैसे डीएनए अपना रिप्लिकेशन करेगा तो उस जीन का भी रिप्लिकेशन हो जाएगा और जी ये इसकी गुण होता है। और ओ आर आई आल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर। कॉपी नंबर हमने बताया किसी भी डीएनए की जो भी हम वेक्टर ले रहे हैं उसकी कितनी कॉपी बननी चाहिए, तो ये ओ आर आई कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए आल्सो। सो नाउ इट इज क्लियर माई स्टूडेंट डेट फॉर गेटिंग मैनी कॉपी ऑफ द टारगेटेड डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। देयर इज सेकेंड वन फीचर इज द सिलेक्टेबल मार्कर, मतलब मार्कर मतलब कुछ ये मार्क करने में मदद करते हैं अर्थात इट हेल्प टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट एंड इलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब सवाल उठ रहा होगा ट्रांसफॉर्मेंट क्या कहलाते हैं। जी ट्रांसफॉर्मेंट वो होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होती है जिसमें हम एक पीस ऑफ डीएनए को, डीएनए के एक टुकड़े को एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराएं, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वो हमारा डिजायर्ड जीन हो सकता है। तो जिन भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये एक्सप्रेस कर जाता है, पहुंच जाता है, तो ऐसे होस्ट ऑर्गेनिज्म को, ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसफॉर्मेंट कह देते हैं और जिनमें नहीं पहुंच पाता है उन्हें हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। कुछ सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया की हम बात करें, जिसमें कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि इनकोड कहते हैं रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं, या क्लोरामफेनिकॉल या रिफामपिसिन या टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन, ये विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं। और आप सब लोग जानते होंगे बच्चों कि एंटीबायोटिक्स का काम होता है कि बैक्टीरिया को किल करना। तो ये एक प्रकार के कुछ विशेष प्लाज्मिड के ऊपर विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे। जी वैसे ये देखा गया है कि जो नॉर्मल ई कोलाई होता है उसमें किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जीन नहीं होते हैं, लेकिन आजकल ऐसे ई कोलाई प्रयोगशाला में डेवलप कर लिए गए हैं जिनमें अलग अलग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उनके अंदर अलग से प्लाज्मिड डाल के प्रोड्यूस किए गए हैं। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे ये नॉर्मली डीएनए जो है ये सेल मेम्ब्रेन में से पास क्यों नहीं करते हैं? हाँ बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रक्रिया हमने आपको बताई मैडम, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के अंतर्गत हम किसी भी डीएनए को किसी भी बैक्टीरिया की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर अर्थात सेल मेम्ब्रेन या जी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें जब हम भेजने की कोशिश करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे इंटर नहीं करने देता है या सेल मेम्ब्रेन इंटर नहीं करने देता जी है। तो इसके पीछे कारण ये है कि वैसे डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक वो सबस्टेंस कहलाते हैं बच्चों जिस जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, मतलब पानी के प्रति उनकी एफिनिटी होती है, वाटर लविंग होते हैं। तो जी डीएनए तो हमारा वाटर में घुलता है इसलिए हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है या यूनिट मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं,
वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है सृजन जी। जी तो लिपिड आप जानती हो, लिपिड मतलब हमारा फैट होता है, तो ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये पानी के प्रति इसका विकर्षण होता है, ये पानी को हीट करता है। तो जो जब हम डीएनए को भेजते हैं तो ये अंदर फिर जाने नहीं देता है। सो सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल विच इज नेगेटिवली चार्ज, सो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंस इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड हाइड्रोफोबिक, सो इट डिड नॉट अलाउ द डीएनए टू इंटर इनसाइड द सेल। इसके लिए फिर हमें कुछ विशेष प्रकार के ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जैसे डाइवेलेंट कैटायन, जैसे हम कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से हम सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं, या फिर कुछ एंजाइम होते हैं उनकी मदद से हम पोर क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से उसके बाद फिर हम डीएनए को डालने में सफल हो पाते हैं सेल के अंदर। जी, यहाँ हेट्रोलॉजियस होस्ट कौन से होते हैं सर? हेट्रोलोगस होस्ट अभी मैडम इस पे चर्चा करेंगे। वैसे ठीक है। मान लीजिए कुछ प्रोटीन है, मान लीजिए ई कोला जो कि कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, मान लीजिए तो जो वो मान लीजिए हमारे आपके अंदर इंसुलिन जीन बनता है, इंसुलिन प्रोटीन बनता है। जी। सो वो अगर हम इंसुलिन प्रोटीन को किसी ऐसे बैक्टीरिया में या किसी और ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कराएं जो कि जो उसमें स्वाभाविक रूप से नहीं बनता है, सो हम कह सकते हैं कि हेट्रोलोगस होस्ट इज द होस्ट विच एक्सप्रेस द प्रोटीन इन द सेल लाइन वेयर दे आर नॉट सपोज्ड टू बी प्रोड्यूस्ड। ओके। जैसा कि हमने एग्जाम्पल बताया कि ई कोलाई, ईस्ट, मेमल सेल, ये जो ए सर्टेन प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन द ह्यूमन सेल व्हेन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द ईस्ट एंड आइसोलेटेड, सो द हेट्रोलोगस होस्ट क्या कहलाएगा यहाँ पे, ईस्ट या फिर हमारा ई कोलाई कहलाएगा। मतलब स्वाभाविक रूप से उसमें बनता नहीं था, लेकिन हमने उसमें कहीं से भी ऐसा कुछ परिवर्तन किया और उसको एक्सप्रेस करवाया विशेष कंडीशन में, तब हम उसे हेट्रोलोगस होस्ट कहेंगे। तो जी चलिए हम इस सफर को आगे बढ़ाएं बच्चों। क्लोनिंग साइट हम बता रहे थे कि कई बार क्या होता है, जब हमें कोई एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए को लिंक करना होता है तो द वेक्टर नीड वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सो मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट, सो इट कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। सो लाइगेशन ऑफ द एलियन डीएनए दैट इज द फॉरेन डीएनए इज कैरीड आउट ओनली एट रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ दी टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि लाइगेशन ऑफ ए फॉरेन जीन एट बैम एच वन एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर में बी बैम एच वन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बैम एच वन साइट ऑफ दी जब हम इस पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर जो PB322 में। सो आप ये देखिए कि जो ये जो वेक्टर होते हैं इनमें अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट हो सकती है, जैसे HIND3, EcoR1, BAMH1, SOL1, PBU1, PST1, CLA1, ORI एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी पाई जाती हैं, ये फीचर्स में आते हैं हमारे क्लोनिंग वेक्टर के। तो जैसे हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट जब हम बनाएंगे तो अगर हम सपोज ऐसे जीन ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने यूज किया जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पाया जा रहा था, जैसा कि आपको हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की कि जो BAMH1 वाला एंजाइम अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन की टेट आर दिखाई दे रहा होगा, ये फिर हमारा जो रेजिस्टेंस जीन है ये एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाएगा, अर्थात जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट होगा वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को लूज कर देगा। हम जब हम नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करना चाहेंगे तब हम मीडियम में जब बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे जब हम पेट्री प्लेट पर, तो जब हम उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की कुछ ड्रॉप डाल के और उसको फिर हम प्लेटिंग करेंगे और ओवरनाइट ग्रोथ के बाद उस ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को जब ग्रो करेंगे तो केवल वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा, और वो बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं करेंगे जिनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस डिस्टर्ब हो गया। मतलब BAMH1 से जब हमने कट करके उसमें कोई जीन को हमने इंट्रोड्यूस कराया है तो जो द ट्रांसफॉर्मेंट ओनली विल बी एबल टू ग्रो इन द मीडियम विच हैव द
tetracycline. So then the transformant are transferred on the tetracycline media. The recombinant grow in ampicillin medium, but not on tetracycline medium. क्यों? क्योंकि हमने ampicillin resistance को तो disturb किया नहीं था, हमने tetracycline को disturb किया था. तो जब हम दो एंटीबायोटिक का ऐसे उपयोग करेंगे tetracycline और ampicillin का, तो ampicillin के आधार पर हम पहचानने में संभव हो पाएंगे कि चूंकि हमने tetracycline भी मिलाया है मीडियम में ampicillin, तो वो जीन को हमने tetracycline जहाँ पर रेजिस्टेंस पाया जा रहा उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके और उसी साइट पर हमने क्लोन किया है, अर्थात फिर हमारा इसमें हम एक प्रकार से सिलेक्शन करने में सफल हो पाएंगे. सो लेकिन सबसे बड़ी बात बच्चों इसमें क्या होती है कि वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट, द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन के केस में देखा. सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट, हमको ऐसी अलग अलग प्लेट बनानी पड़ती हैं. तो ये एक प्रकार की कंबर्सन प्रोसेस है, इसलिए एक अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में सोचा गया कि हम क्यों ना कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करें जिसमें कि हम कोई क्रोमोजेनिक सबस्टेंस यूज करें और वो हमें कलर के रूप में देखने को मिल जाए. तो इसके लिए आजकल जो भी हम वेक्टर यूज करते हैं उनमें एक फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, अर्थात उनमें एक एक प्रकार का एक एंजाइम कोड करने वाला जीन होता है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है. सो अगर हम उस जगह पर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है वहाँ पर हम कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट देते हैं जिनसे हमें काम करना है और उस पर जब डीएनए को कट करते हैं हम वेक्टर को और अपने एलियन डीएनए को वहाँ पे जोड़ देंगे तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्सप्रेस करने वाला जो जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और इसे हम इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहेंगे. और जब हम फिर इसको प्लेट पर कोई एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालेंगे जो कलर प्रोड्यूस करेगा और जब हम उस पर डालेंगे तो देखेंगे कि अगर ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि हमने इनसाइड को इंट्रोड्यूस करा दिया है तो वो वाइट कलर देगा, मतलब उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिवेट हो गया है और वो अब सबस्ट्रेट को यूज करके ब्लू कलर नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसमें जीन ही नहीं है. लेकिन जो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें इनसाइट नहीं जा पाया किसी कारणवश या सेल्फ लाइगेशन हो गया तो वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर ब्लू कलर दे देंगे. तो इसके आधार पर हम ये एक प्रकार का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहलाता है और ये नाउएडेज इस फैसिलिटी का हम लोग उपयोग करके जो अलग अलग कई सारी प्लेट बनानी पड़ती थी एंटीबायोटिक की, दो दो या तीन तीन एंटीबायोटिक की, उससे हमें छुटकारा मिल गया और फिर हम एक्स गैल और आईपीटीजी का उपयोग करके और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को एक्सप्रेस करने वाली जगह पर हम इनसाइट को जोड़ के इनएक्टिवेट करके हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के माध्यम से बच्चों इसको पता कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन से. जी सर, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा एक प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण बनता है? मैडम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा बनता है सर? बिल्कुल बच्चों, ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये पूछा जाता है या कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हमें अलग जैसे हम नाउएडेज जो अलग अलग एंटीबायोटिक की जो हमें प्लेट बना के एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था उससे हमें अगर छुटकारा पाना है तो जो हम आजकल मॉडर्न फैसिलिटी के रूप में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिवेशन करके वो हम किस प्रकार से करते हैं और या हम पूछते क्वेश्चन ऐसे आता है कि ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग क्या है, कैसे हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचान सकते हैं या उनको आइसोलेट कर सकते हैं. चलिए बच्चों, ये चैप्टर लंबा है और जल्दी से हमको इसको कवर भी करना है आज, तो हम आगे बढ़ते हैं. आपको कुछ और क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बताते हैं. एक क्लोनिंग वेक्टर होता है जिसे हम एग्रोबैक्टीरियम प्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया से निकालते हैं और उसे हम एक प्रकार से टीआई प्लाज्मिड कहते हैं. तो सवाल उठता है कि टीआई प्लाज्मिड क्या है. टीआई मतलब टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है जो एग्रोबैक्टीरियम प्यूमीफेसियंस एक नेचुरल
सॉयल बॉर्न बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया की विशेषता ये होती है कि ये जब किसी भी डाइकॉट प्लांट में जब जुड़ता है तो वहाँ पर पैथोजेनिक इफेक्ट दिखाता है, अर्थात बीमारी फैलाता है, और उसे हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। तो ये देखा गया कि ये जो नेचुरल इन्फेक्टिविटी का जो इसके अंदर कैपेसिटी होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, तो ये देखा गया कि ये एक पीस ऑफ डीएनए होता है जिसे टीडीएनए कहते हैं, वो जब किसी नॉर्मल सेल में डाइकॉट प्लांट की पहुंचता है तो नॉर्मल प्लांट सेल को वो ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता है। जी। तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके सज्जन जी आजकल ऐसे प्लाज्मेट को इससे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से उस प्लाज्मेट को निकाला गया जिसे हम टीआई प्लाज्मेट कहते हैं, और फिर उसका कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उपयोग कर सकते हैं, उसकी मतलब जो पैथोजेनिसिटी थी, जो पैथोजेनिक इफेक्ट था उसको हटा के, और फिर उसको हम प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में उपयोग करते हैं। ये मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है कि कैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जाके किसी प्लांट में ट्यूमर अर्थात एक प्रकार से देखिए कैंसर कंडीशन पैदा करता है। ये आप समझ सकते हैं, ऐसे आपने कई सारे ट्री देखे होंगे जिनमें इस प्रकार की ट्यूमरस ग्रोथ को देखी गई होगी, तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक छोटे से बैक्टीरिया के द्वारा ये देखिए कितना बड़ा प्रभाव प्लांट में भी देखने को मिलता है, इसे हम क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। और टीआई प्लाज्मेट का उपयोग हम आजकल क्लोनिंग वेक्टर के रूप में करते हैं कुछ सारे प्लांट के एक्सपेरिमेंट में। ऐसे ही बच्चों जैसा कि अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है, और ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तब उस समय कंपिटेंट सेल बनाते हैं। कंपिटेंट सेल समझिए एक प्रकार की ऐसी कोशिकाएं हुई जिनको डाइवेलेंट कैटायन वाले सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है, जैसे क्लोराइड के सॉल्यूशन से। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया के बाहर की सेल वाल तो परमिएबल होती है और सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें छोटे छोटे पोर बन जाते हैं, थोड़ी सी वो फ्रेजाइल हो जाती है। और चूंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है हमने आपको बताया था, और सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है, इसके कारण डीएनए नॉर्मली एंटर नहीं कर पाता, इसलिए हमको कंपिटेंस सेल बनानी पड़ती है बाय द हेल्प ऑफ द डाइवेलेंट कैटायन सॉल्यूशन। अब ऐसी सेल जो कंपिटेंट सेल है जिनको हमने कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कर लिया है, अर्थात उनके अंदर छोटे छोटे पोर बन गए हैं, तो उनको हमने छोटी सी एक माइक्रोफ्यूज या फिर एपेंडॉर्फ एक ट्यूब होती है उनमें लिया उस डीएनए की सेल को जिसको हमने एक प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट किया, और उसके बाद इनको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस डीएनए को हमको डालना है उस डीएनए को हमने इसके अंदर डाल दिया उस बैक्टीरिया के साथ जो कंपिटेंट सेल्स हैं बैक्टीरिया की, और इसको हमने 42 डिग्री सेल्सियस पर एक इसे कहते हीट शॉक के लिए हमने 2 मिनट तक रखा, और इसके बाद फिर हमने इसको फिर लेके आइस पे रख दिया। तो इस ये जो एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है जब हम 2 से 3 मिनट के लिए रखते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पर, तो एक प्रकार से जो डीएनए जो बाहर सेल के बाहर है बैक्टीरियल कंपिटेंट सेल के बाहर है वो इंटर कर जाता सेल के अंदर, और फिर हम इसे इनक्यूबेट कर देते हैं फॉर द हाफ इन 1 आवर आइस पर, तो ये फिर अंदर पहुंच जाता है और इस प्रकार से हमारा काम पूरा हो जाता है, और फिर आगे चल के फिर हम इसको प्रॉपर इनक्यूबेट करते हैं फॉर 24 आवर, तो इसके बाद फिर उस बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए फिर जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो मल्टीप्लाई भी करके और फिर हमारे डिजायर्ड एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ने में मदद करता है। जी। तो कुछ और टूल्स ऑफ दी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको बताएं बच्चों, जैसे कंपिटेंट सेल बनाने के लिए होस्ट सेल को बनाने के लिए कुछ और यूज किए जाते हैं, जैसे एक होता है माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, और दूसरी होती है बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, और तीसरा होता है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। तो डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर जैसा कि आपको बता रहा है, डिसआर्म्ड मतलब जो पैथोजन होते हैं जो उनके अंदर बीमारी फैलाने की कैपेबिलिटी होती है, तो आप जानते हो कि ये दिए और तूफान की लड़ाई होती है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडवांस विकसित कर रहे हैं और हम और आप लोग नई नई दवाएं बनाते रहते हैं, सारे ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका कैपेबिलिटी होती है कि वो हमें और आपको इन्फेक्ट करते हैं या प्लांट को, और वो जाके अपने डीएनए को इंटर करा देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, लेकिन उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम पहले डिसआर्म कर देते हैं, मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पैथोजेनिक वायरस का उपयोग किया जाता है। जो माइक्रो इंजेक्शन आप बच्चों देख पा रहे होंगे, इसको मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। माइक्रो इंजेक्शन में
जो होस्ट सेल है इसको आप देख पा रहे होंगे, देयर इज द होल्डिंग पिपेट। तो होल्डिंग पिपेट के माध्यम से उस होस्ट सेल को एक प्रकार से सक्शन के माध्यम से ऐसे एक इमोबिलाइज किया जाता है, और उसके बाद फॉरेन जीन को, जो कि एक हमारे इंजेक्शन बहुत ही फाइन इंजेक्शन होता है माइक्रो नीडल के रूप में, उस डीएनए के फॉरेन जीन को, जिसको जिस जीन को हमें इंटर कराना है होस्ट सेल के अंदर इफेक्ट देखने के लिए, उसको हम इंट्रोड्यूस कराती हैं, सीधे देख पा रहे होंगे सेल के अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस, और इस प्रकार से हम फिर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को करने में सफल होते हैं। ये एक और टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं जीन गन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एक जीन गन एक फैसिलिटी होती है। सो ये देखा गया है कि कुछ जो प्लांट स्पीसीज होती हैं जिनमें एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्ट नहीं करता है, जैसे कॉर्न हो गया, राइस हो गया, व्हीट, ये मोनोकॉट प्लांट होते हैं, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम यूजुअली डाइकॉट प्लांट में इंटर करता है। सो द जीन गन टेक्निक को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बायोलिस्टिक पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो डीएनए है वो गोल्ड पार्टिकल जो 1 मिलीमीटर इन डायमीटर के होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, समझिए हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे, तो 1 मिलीमीटर डायमीटर के गोल्ड पार्टिकल के ऊपर डीएनए को हम कोट कर देंगे, और इसके बाद इन इस जो छोटी छोटी गोलियां हैं, गोल्ड पार्टिकल हैं या टंगस्टन के बने, इनको फिर हम एक छोटी सी मशीन होती जिसे जीन गन कहते हैं, उसके द्वारा हम हिट करते हैं एक प्रकार से प्लांट के ऊपर, तो प्लांट टिश्यू के ऊपर, विशेषकर कैलस के ऊपर टिश्यू, उसका प्लांट का कोई पार्ट लेके उसको फिर हम टिश्यू कल्चर में ग्रो करते हैं, कैलस बनाते हैं, और फिर उसमें हम हिट करते हैं, तो वो अनडिफ्रेंशिएटेड मास जिसे हम कैलस कहते हैं उसके अंदर वो जीन जो कि गोल्ड कोटेड है या टंगस्टन कोटेड है इंटर कर जाता है। सो द पार्टिकल आर एबल टू पेनिट्रेट द प्लांट सेल वॉल एंड डिलीवर द डीएनए इनसाइड द सेल। सो ओनली दो सेल्स दैट इनकॉर्पोरेट द न्यू जीन इनटू देयर जीनोम, जीनोमिक डीएनए आर सिलेक्टेड एंड ग्रोन इनटू द फुल ट्रांसजेनिक प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जो जिसमें कि वो हमारा फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए पहुंच गया। ये सब हम एक लेमिनार फ्लो, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एसेप्टिक कंडीशन में करते हैं। एक छोटी सी जीन गन हमने मशीन दिखाने की कोशिश की है, वैक्यूम चैम्बर भी उसमें के साथ लगा रहता है। ये हमारा पूरा लेमिनार फ्लो एक पूरा सिस्टम होता है, और भी सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट यूज होते हैं, और ये एक एसेप्टिक टेक्निक है, और इस पर टिश्यू कल्चर, चूंकि टिश्यू के प्लांट के किसी भी भाग को, लीफ या स्टेम या फ्लावर को लेके, और फिर उसको हम कैलस के रूप में तब्दील करके उसमें गोल्ड या प्लेटिनम कोटेड डीएनए को, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये बच्चों समझ गए होंगे कि डीएनए विद डिजायर्ड जीन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज कोटेड ऑनटू द सरफेस ऑफ गोल्ड पार्टिकल एंड बम्बार्डेड, और इस प्रकार से अंदर पहुंच जाते हैं। ये क्लोज लुक है एक जीन गन का, हमारे बच्चे देख पा रहे होंगे जी। अब बच्चों हम आपको बताएंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पूरी प्रोसेस क्या क्या करती है, हम वन बाई वन खत्म करेंगे, और ये लगभग 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, और इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा कि इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। कक्षा 12वीं के बच्चों का ये सेशन चल रहा है, और कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल जो 5 मेजर प्रैक्टिकल दिए गए हैं, उनमें से मेजर प्रैक्टिकल बच्चों आपका ये भी है कि डीएनए को आपको आइसोलेट करना है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे हम बनाना से आइसोलेट करते हैं, या फिर हम व्हीट ग्रेन से भी करते हैं, या टोमेटो से भी करते, मतलब किसी भी प्लांट से हमको डीएनए को आइसोलेट करना होता है। ये प्रैक्टिकल आपने शायद कर लिया होगा, क्योंकि आपकी अगले महीने में या इस महीने में कई जगह आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो चुकी हैं सीबीएसई बोर्ड की जी। इसके अलावा यूपी बोर्ड के बच्चे भी जो सुन रहे होंगे हिंदी मीडियम के, उनको भी ये प्रैक्टिकल रखा गया है। तो सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, इस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद आपने बच्चों जाना था कि प्रतिबंधित एंजाइम होते, प्रतिबंधन एंजाइम जिन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, उनके द्वारा हम डीएनए को विशेष स्थान पर, जिन्हें हम स्पेसिफिक लोकेशन कहते हैं, उन रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और डीएनए को कट करते हैं। इसलिए हमने आपको बताया था इन्हें मॉलिकुलर सीजर भी कहते हैं, आणविक कैंची भी कहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे समझ पा रहे होंगे। इसके बाद मान लीजिए हम जिस डीएनए पे काम कर रहे हैं उसकी मात्रा बहुत कम है, तो आज के दौर में हमें आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी मिल चुका है, हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा है, विशेषकर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कैरी मुलिस था। तो कैरी मुलिस साहब ने इस इंस्ट्रूमेंट को खोजा है, और बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इससे मॉलिकुलर बायोलॉजी के
इन एक्सपेरिमेंट को करने में बड़ी ही आसानी हो गई, उसे हम पीसीआर कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके द्वारा सृजन जी आप जानेंगे कि बहुत कम माइक्रोग्राम या नैनोग्राम में जो डीएनए होता है उसको ये एम्पलीफाई करके और इसकी मात्रा बढ़ा देता है। आपने सृजन जी कोरोना पेंडेमिक में सुना होगा आरटीपीसीआर, ये पीसीआर की फॉर्म होती है, मतलब जो वायरस जो हम लोग चेक कराने जाते थे तो उसमें से पीसीआर चूंकि डीएनए को एम्पलीफाई करता है, आरटीपीसीआर में क्या होता है कि एक प्रोसेस और जोड़ी जाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब चूंकि कोरोना वायरस में आरएनए जीनोम था तो पहले उससे डीएनए बनाते थे और फिर उसको एम्पलीफाई करके फिर उससे आइडेंटिफाई करते थे। चौथा स्टेप बच्चों सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब जिस डीएनए को हमने अंदर भेजा है होस्ट सेल को वो पहुंचा है कि नहीं, इसको हमें सिलेक्ट करना है बैक्टीरिया के अलग अलग मीडियम में, या फिर हमने आपको इंसर्शन इनएक्टिवेशन वाली एक कंसेप्ट बताई थी। और इसके बाद फिर वो जो भी हमने जीन इंट्रोड्यूस कराया है, सपोज हमने डायबिटीज के इलाज के लिए हमें ह्यूमिलिन जो प्रोटीन होती है, जो एक आप जानते हो जो इंसुलिन हार्मोन हमारे आपके शरीर में बनता है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में ह्यूमिलिन कहा जाता है, तो उस हमें किसी बैक्टीरिया में बनाना है तो उस फॉरेन प्रोडक्ट को हम एक्सप्रेस करेंगे और उस बैक्टीरिया से हम निकालेंगे फॉरेन प्रोडक्ट को, इसके बाद फिर प्यूरीफाई करेंगे और फिर मार्केट में भेजेंगे, उसे हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहेंगे। लेट अस स्टार्ट वन बाई वन। पहला है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो आप जानते हो बच्चों किसी भी बैक्टीरिया से, फंगस से, किसी भी सेल से, हम चीक सेल से भी अगर हमें डीएनए निकालना है तो प्लांट या एनिमल टिश्यू से जब भी हम डीएनए निकालेंगे तो सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे प्लांट में सेल वाल होती है, बच्चों आप जानते होंगे कि सेल वाल सेलुलोज की बनी होती, तो सेलुलोज की सेल वाल को हमें ब्रेक करना तो एक एंजाइम होता है सेलुलेज, उसकी हम मदद लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से अगर हम बैक्टीरिया से डीएनए निकाल रहे हैं सृजन जी, एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम, या इसका यूज करते हैं और हम उससे हम सेल वाल को ब्रेक करते हैं। सृजन जी आपको जान के बड़ी ही हैरानी होगी कि हमारे जो टीयर है और जो हमारी लार है सेलाइवा, इसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है। यही कारण है कि जब हमारे ये एक प्रकार का इम्यून सिस्टम की एक पार्ट है कि हमारा ये रोग से बचाने में, रोग से लड़ने में मदद करता है, जब कोई बैक्टीरिया हमारे आंखों से या हमारे भोजन से अंदर जाना की कोशिश करता है तो हमारी सेलाइवा में जो लाइसोजाइम होता है या टीयर में उस बैक्टीरिया की सेल वाल को वो तोड़ देते हैं और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ये एक प्रकार की रोग से लड़ने वाली हमारी आपकी क्षमता है। अगर हम फंगल सेल से डीएनए निकालना चाहते हैं, फंगस की सेल वाल काइटिन की बनी होती है, ये एक विशेष प्रकार के बायोमोलिक्यूल होते हैं, तो एक एंजाइम होता है काइटिनेज, उसके माध्यम से हम काइटिन को हम हटा सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसे ही बच्चों जब आपने डीएनए से संबंधित एक्सपेरिमेंट को अपनी प्रयोगशाला में किया होगा तो आपने डिटर्जेंट को लिया होगा, जैसे कि आप नॉर्मली जो डिटर्जेंट हम लोग हैंड वॉश के लिए लेते हैं, या फिर आपने एसडीएस एक डिटर्जेंट का नाम सुना होगा, सोडियम टोडोकाइल सल्फेट या ट्विन 20, इनका उपयोग करते हैं और सेल को हम उससे ट्रीट करते हैं जिससे कि उसकी सेल वाल खत्म हो जाती है और वो फिर डीएनए अब उनका लिबरेट हो जाता है और उसको फिर हम चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट करते हैं, चिल्ड इथेनॉल में उसको हम ऐड कर देते हैं तो चिल्ड इथेनॉल में जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो जो भी डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जानते हो सेल के अंदर आरएनए भी पाया जा रहा है, डीएनए भी पाया जा रहा, प्रोटीन भी पाया जा रहा, तो हमने सेल वाल तो कट कर ली, हटा ली, सेल वाल को हटा दिया, लेकिन अब आरएनए है तो आरएनए को खत्म करना है तो एक हम कुछ ड्रॉप्स राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम, एक प्रकार का एक न्यूक्लियस एंजाइम की कैटेगरी के आते हैं, तो उनको हम ऐड कर देते हैं तो वो आरएनए खत्म हो जाता है। ऐसे ही प्रोटीन है हमारे जो भी हमने ट्रीट किया बैक्टीरिया या सैंपल या प्लांट प्रोडक्ट से हमें डीएनए निकालना, तो प्रोटीन को हटाना है तो प्रोटीएज से ट्रीट किया, इस प्रकार से। इसके बाद हम जब चिल्ड इथेनॉल मिलाते हैं तो आपने देखा होगा प्रयोग में बच्चों, इस प्रकार से ये ग्लास रॉड के माध्यम से आप डीएनए को स्पूल करके दिखा सकते, इसे स्पूलिंग टेक्निक भी कहते हैं। और इसके बाद आप डीएनए को लेके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है, इसके आप इस पे रन करा सकते हैं और इसके आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका डीएनए आया कि नहीं। हमने आपको पहले ही बताया था कि डीएनए पर निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड की तरफ जाता है। जी, हम अपने बच्चों को बताना चाहेंगे कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डीएनए मूव टुवर्ड द एनोड, सो द आंसर इज डीएनए कैरियंग नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द फॉस्फेट बैकबोन, क्योंकि डीएनए में बेस शुगर फॉस्फेट
तीन चीजों से मिलकर डीएनए बनता है और फॉस्फेट बैकबोन के कारण डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। कई बार पूछा जाता है कि किसी डीएनए के आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कई टुकड़े कर दिए तो क्या होगा, जो सबसे छोटे पीस होंगे वो सबसे आगे जाएंगे, उसके बाद फिर मीडियम साइज और फिर बड़े वाले पीस आएंगे। इस प्रकार से फिर हम जिस भी डीएनए से हमारा काम होगा, मतलब जिस भी पार्ट से डीएनए को हम इस मैट्रिक्स से कट कर लेंगे, जिस पार्ट का समझो स्मॉलर पीस का लार्जर पीस का एक मार्कर होता है उसमें बना रहता है साइज की 100 KB 200 KB 300 400 500, तो ये जो 1 2 3 4 वेल दिखाई दे रहे हैं इनमें से वन वेल में या लास्ट वेल में, जैसे इसमें हमने एक मार्कर को रन करवाया है तो हर मार्कर का एक निश्चित साइज होता है और उसके आधार पर हम अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को कट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम इल्यूजन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बच्चों बताया एक टेक्निक होती है जिसे हम पीसीआर कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पी फॉर पॉलीमरेज, सी फॉर चेन और आर फॉर रिएक्शन। इसके द्वारा हम डीएनए के छोटे से क्वांटिटी को ज्यादा मात्रा में एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो हमको इसको करना है अगर पीसीआर को, तो हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे हमें डिजायर्ड डीएनए चाहिए, मिल गया कम मात्रा में उसको हम एम्पलीफाई करेंगे। प्राइमर चाहिए, प्राइमर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ऑलिगो मीन्स बच्चों फ्यू होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड के बने हुए, ये 8 से लेके 20 तक न्यूक्लियोटाइड के बने हुए ये एक प्रकार से सेगमेंट होते हैं। तो हम ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर ये आप प्रयोगशाला में डिजाइन कर सकते हैं। जो लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का काम करते हैं, वो डीएनए जो भी हमें, जिसको भी हमें एम्पलीफाई करना है, उस डीएनए के कम्प्लीमेंट्री, मतलब जैसे ए है तो टी, टी जी है तो सी, इस प्रकार से कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड युक्त ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर बनाते हैं। इसके अलावा हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ये बहुत ही अद्भुत एंजाइम होता है बच्चों। जी। क्यों अद्भुत होता है कि नॉर्मली आपने बच्चों जाना है कि एंजाइम नॉर्मली ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं, रूम टेम्परेचर पे, हमारे बॉडी टेम्परेचर के आसपास, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन टैग पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है सीजन मैम कि ये लगभग 70 80 90 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करता है, अर्थात ये हीट लविंग होता है। तो विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो थर्मल वेंट में ग्रो करते हैं, मतलब नेचुरल गीजर, जहां धरती में गर्म पानी की धाराएं निकलती हैं, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क या भारत में कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर उबलता हुआ पानी जमीन के अंदर से निकलता। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि वहां पर कुछ विशेष बैक्टीरिया सर्वाइव कर जा रहे हैं इतनी हाई टेम्परेचर पर, 80-90-100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये देखा कि उनके अंदर, उन बैक्टीरिया के अंदर एक टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे। तो उस एंजाइम को हमारे साइंटिस्ट ने उसे आइसोलेट किया और उसको उपयोग हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं। तो अब आपको प्राइमर है, टैग पॉलीमरेज है जो कि एक प्रकार से थर्मल स्टेबल एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है, हाई टेम्परेचर पर काम कर सकता है, नॉर्मल एंजाइम से अलग होता है, और न्यूक्लियोटाइड बेसिस जिस पे को हमें एम्पलीफाई करना है। तो प्रत्येक पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन बच्चों वो होता है जब डीएनए को हम गर्म करते हैं लगभग 70-80 डिग्री सेल्सियस पर, तो डीएनए डबल हेलिकल होता है, समझिए सीढ़ी की तरह होता है सिजन जी, जो हम लोग घरों में सीढ़ी होती है जिससे चढ़ते हैं, डबल हेलिकल होता है, बीच में बांस की तरह या लोहे की रॉड लगी रहती है। तो जब हम गर्म कर देते हैं वो रॉड टूट जाती है, समझिए, तो वो प्रोसेस कहलाई डीनेचुरेशन। जब हम डीएनए को ठंडा कर देते हैं तो वो जो रॉड जिनकी बात कर रहे, सीढ़ी में लगी रहती, पांव जिस पर रख के चढ़ते हैं, तो वो फिर बन जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं एनीलिंग। और जो हम टैग पॉलीमरेज मिलाएंगे और साथ में प्राइमर मिलाएंगे, तो टैग पॉलीमरेज जो प्राइमर हम ऐड कर देते हैं, जैसा कि हमारे बच्चे पहला स्टेप देख पा रहे होंगे डीनेचुरेशन, दूसरे में देख पा रहे होंगे प्राइमर को हमने ऐड किया, एनीलिंग हो गया, हमने प्राइमर ऐड कर दिया और कूल किया लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पे, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर ऐड हो जाते हैं। और तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन, मतलब जो प्राइमर ऐड किए वो एक्सटेंड होंगे, फॉरवर्ड प्राइमर देख पा रहे होंगे जैसे डायग्राम में, वो अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और रिवर्स वाला नीचे वाला नीचे। तो दो स्टैंड हमने डीएनए के लिए थे, लेकिन बच्चों आप देख रहे होंगे अब एक साइकिल के बाद 4 स्टैंड हो गए, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। तो ऐसे हम एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से जब 2 मॉलिक्यूल पा जाते हैं एक साइकिल में, तो 2 साइकिल करेंगे जब हम पीसीआर के, तो हमें 4 मॉलिक्यूल मिलेंगे। अगर हम
अगर हम तीन साइकिल अर्थात 2^3 के रेशियो में होगा तो 8 मॉलिक्यूल, और अगर 2^5 साइकिल की है, मतलब 5 साइकिल मतलब 2^5, क्योंकि डीएनए में दो स्टैंड होते, तो हमें फिर ऐसे बढ़ते हुए 8, 16, 10, 24 और इस प्रकार से 30 साइकिल के बाद लगभग आप देख पाइए कि एक बहुत सारे हमको 30 साइकिल के बाद हमें मिलियंस ऑफ डीएनए मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है और इसके द्वारा हम डिजायर डीएनए को, जो अपना तो डीएनए हमारे कम मात्रा में था, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं और उसके द्वारा हम फिर बड़े आराम से अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस स्लाइड में जल्दी से बच्चों समझने की कोशिश करिए क्योंकि समय कम है, जो हमने इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में किया, देख पा रहे होंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दिखाई दे रहा होगा, दो कलर का बना हुआ है, अर्थात ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। एक वेक्टर में हमने बाहर से अपने डीएनए को जोड़ा है और इसको हमने एक बैक्टीरिया के अंदर भेज दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने उस डीएनए को, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उसको हम बैक्टीरिया से बाहर निकाल लेंगे, उसको पीसीआर में हम एम्पलीफाई कर लेंगे और फिर अगर हमें उसकी और अगर हमको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की फिर हम उस बैक्टीरिया के अंदर फिर डाल देंगे और उस बैक्टीरिया को फिर हम इनक्यूबेट करेंगे। बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन के द्वारा कई कॉपी बन जाती हैं, तो इस प्रकार से फिर वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर फिर ज़्यादा मात्रा में डेवलप हो जाएगा। तो ये कुल मिला के फिर हम उस बैक्टीरिया से जो हमने रिकॉम्बिनेंट जीन डाला था, समझिए हमने एक एग्जाम्पल से बताया आपको कि हमने इंसुलिन बनाने वाला जीन डाला था, तो फिर हम बैक्टीरिया से अपना डिजायर्ड प्रोटीन, मतलब यहाँ पे समझिए इंसुलिन है, उसको हम निकाल लेंगे, फॉरेन जीन को हम निकाल लेंगे और फिर इसके बाद उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को हम, और अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना है या इस प्रकार से, तो फिर हम उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बार बार फिर हेटरोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस करवाएंगे और इस प्रकार से हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों की बात होती है कि जब हम इन चीजों को बनाते हैं तो यूजुअली हम बैक्टीरिया को एक कल्चर में ग्रो कहते हैं, उसे कल्चर मीडियम कहते हैं। तो एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम, मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम बैक्टीरिया को किसी कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं तो उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट भी जनरेट हो जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो यूज्ड मीडियम है उसको हम ड्रेन आउट करेंगे और इसके बाद फ्रेश मीडियम को ऐड करते जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार के कल्चर को हम कल्चर कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम कहते हैं। लेकिन तो नॉर्मली हम प्रयोगशाला में जब ऐसा कल्चर करते हैं तो हमें कुछ ही मात्रा में हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है, ज्यादा मात्रा में बनाना है, जैसे आपने देखा था कोरोना काल में वैक्सीन बनाई गई थी, तो हमको उसके लिए विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। बायो रिएक्टर होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं। सो दीज आर द वेसल इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंजाइम एटसेट्रा यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल और ह्यूमन सेल टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। बायो रिएक्टर आर यूज्ड वेयर लार्ज वॉल्यूम 100 से लेकर 1000 लीटर ऑफ द कल्चर को हम बना सकते हैं। और बायो रिएक्टर में एक बहुत अच्छी बात होती है बच्चों कि उसमें टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन को हम ऐड कर सकते हैं और इसके आधार पर हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जैसा कि आप एक टिपिकल बायो रिएक्टर को देख पा रहे होंगे बच्चों, तो एक टिपिकल बायो रिएक्टर में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मेक ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द बायो रिएक्टर, और उसमें एजिटेटर सिस्टम होता है, मतलब जो एजिटेशन का काम करता है, खलबलाहट का काम करता है, मिक्सिंग का काम करता है। एक जगह से आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए इसमें व्यवस्था दी गई है, मतलब हमें जो भी कल्चर में हम बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन भी हम ऐड कर सकते हैं। एक फूम कंट्रोल सिस्टम भी होता है, क्योंकि हम जब एजिटेशन करेंगे तो उसमें फूम भी बन सकते हैं, उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक इसमें एक व्यवस्था होती है। निश्चित पीएच पे हम किसी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है, और सैंपलिंग पोर्ट भी होता है जिससे हम समय समय पर ये निकाल सकते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट को। नॉर्मली हम जो भी बायो रिएक्टर यूज करते हैं, बस दो ही स्लाइड रह गई हैं सुजन जी, तो मोस्ट कॉमनली यूज स्टायरिंग बायो रिएक्टर टाइप का होता है। इसमें स्टायर्ड टैंक बायो रिएक्टर सिलिंड्रिकल होता है, कर्व्ड बेस होता है, और इसमें मिक्सिंग की अच्छी फैसिलिटी होती है, मतलब स्टायरिंग की अच्छी व्यवस्था होती है, और स्टायरिंग की मदद से हम
ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंस को अच्छे से मिक्स करने में सफल हो पाती हैं। एयर बबल को हमें निकालना है तो हमने अभी बताया था फूम कंट्रोल सिस्टम भी होता है, इसमें पीएच को भी मेंटेन करने का भी सिस्टम होता है और ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए भी सिस्टम पाया जाता है। इसके आधार पर हम इंडस्ट्रियली लार्ज अमाउंट ऑफ दी सब्सटेंस को बना सकती हैं। सबसे अंत में बच्चों बस आप जानिए कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमने बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बना लिया उसको हम मार्केट में भेजने के पहले एक कुछ सीरीज ऑफ दी प्रोसेस होती हैं, जैसे सेपरेट किया उसको हमने प्यूरिफाई करते हैं और इस प्रकार से फिर उसमें कई बार प्रिजर्वेटिव भी मिलाते हैं, कुछ हमें डिजायर्ड प्रिजर्वेटिव भी मिलाने होते हैं। इसके अलावा क्या वो जो हमने प्रोडक्ट निकाला है उसकी हम क्लिनिकल ट्रायल भी करते हैं, क्लिनिकल टेस्टिंग भी की जाती है। इसके बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी मेजर्स हैं क्योंकि मार्केट में जाने के पहले कहीं इससे कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए या जो हमारा डिजायर्ड प्रभाव है कि नहीं ये आ पा रहा है कि नहीं ये सब करते हैं। इसके बाद हम उसकी सेफ्टी इफिकेसी रिकवरी और कॉस्ट को सब कुछ को हम रेगुलेट करते हैं, ये सब हमारे क्वालिटी कंट्रोल में आता है और इसके बाद उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में ले जाते हैं। तो ये इसमें इस चैप्टर में बच्चों लगभग यही था और आपने आज जाना कि किस प्रकार हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कौन कौन से प्रिंसिपल और प्रोसेस के आधार पर हम अपने डिजायर्ड जीन को एक्सप्रेस करके किसी बैक्टीरिया में वायरस में ट्रांसजेनिक प्लांट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे आज कल आपने सुना होगा बीटी कॉटन, उसमें कुछ और नहीं है बच्चों, एक बैक्टीरिया था जिसे हम बैसिलस थुरिंजिएंसिस कहते हैं, उससे उन्होंने बीटी जीन को लिया, उसके अंदर पेस्ट को मारने की कैपेबिलिटी होती है कैटरपिलर को, और उसको उन्होंने कपास के पौधों में डाल दिया, ब्रिंजल वाले पौधों में डाल दिया, कॉर्न में डाल दिया और इस प्रकार से हमें ट्रांसजेनिक प्लांट मिल गए। और ऐसी तकनीक को आजकल बहुत किया जा रहा है, इसके आधार पे हम ऐसी फसलों को बना रहे हैं जिनमें कि पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस होता है। बहुत सुंदर व्याख्या की सर आपने इस विस्तृत विषय के बारे में। ये एक बहुत विस्तृत विषय रहा हमारा बायोलॉजी का कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। हमने आज जाना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पार्ट 2। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सर सुशील कुमार का, आप PGT बायोलॉजी केंद्रीय विद्यालय एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू नेपाल से हमारे साथ इस सत्र के लिए जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत विषय पर व्याख्या के लिए। सर नमस्कार। मैं अपने सभी बच्चों को बता दूं कि वे जब चाहें इन सत्रों को पुनः देख सकते हैं हमारे NCERT ऑफिशियल के माध्यम से, और 12 नंबर ई विद्या चैनल नंबर 12 पर भी इसका पुनः प्रसारण होता रहेगा। ऐसे ही आप हमारे ई विद्या चैनल नंबर 1-12 पर जुड़ें और अपने विषयों को जानें, और YouTube चैनल के माध्यम से इन सत्रों को और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब समय है एक और जानकारी का जो आपकी टेक्स्ट बुक से संबंधित है। आपकी सभी टेक्स्ट बुक्स हमारे सेल्स काउंटर जो अक्रॉस द कंट्री काम कर रहे हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में जो हमारे सेल्स काउंटर हैं वहाँ से संपर्क कर सकते हैं 9:30 से शाम 6 बजे तक सभी अवकाश के दिनों में। इसके लिए आपको जाना होगा NCERTbooks.NCERT.gov.in पर। आप चाहें तो इन बुक्स की सॉफ्ट कॉपी या PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई पाठशाला दीक्षा या फिर मोबाइल ऐप के जरिए जुड़ना होगा और डाउनलोड करनी होगी इनकी सॉफ्ट कॉपी। सभी अधिक जानकारी के लिए और अपडेटेड जानकारी के लिए हम आपको हर सत्र के दौरान बताते हैं कि आप ज़रूर हमारी ऑफिशियल साइट जो है उसे विजिट करते रहें। ये आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है, ये है www.ncert.nic.in। हमारे सभी लाइव सत्र इसी तरह ज्ञान से भरे हुए होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं, और सरल शब्दों में आप उनकी व्याख्या विस्तृत रूप से पाते हैं। तो इस सुविचार के साथ कि आपके दिन में जो भी आप करें वो सोच समझ कर करेंगे और सकारात्मकता के साथ करेंगे, मैं सृजन राजपूत लेती हूँ आपसे अनुमति। आपका दिन शुभ हो, शुभ संध्या, नमस्कार।